हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको इस मशीन में ड्रम यूनिट के बारे में बताऊंगा। और ड्रम यूनिट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हमें ड्रम ख़राब हो गया तो ड्रम चेंज करना पड़ता है, या पीसीआर या ब्लड हो गई, तो इन सबको मैं अगर चेंज करना पड़ता है तो वो हम कैसे कर पाएंगे, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो 25-25 मशीन होती है, 25-30 और 25-35, इन मशीन में भी ड्रम यूनिट सेम ही लगती है। तो आपको अगर इस मशीन के अलावा 25-25 मशीन की भी ड्रम यूनिट को साफ़ करना है या ड्रम चेंज करना है, तो प्रोसेस सेम ही रहेगी, कोई अलग प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इन दोनों की ड्रम यूनिट और डेवलपर यूनिट जो है सेम होती है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। तो दोस्तों, इसकी ड्रम यूनिट के बारे में आपको बता दूँ, ये हमारा फ्रंट डोर है, उसको हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये लॉक है, उसको हमें अनलॉक करना है। उसके बाद जो वेस्ट टैंक है हमें साइड में रख देना है। साइड में रखने के बाद एक ही लॉक होता है इसका, ये हमें अनलॉक करना पड़ेगा। उसके बाद साइड डोर है, साइड डोर को हमें ओपन करना पड़ेगा। साइड डोर को ओपन करने के बाद ये हमारी ड्रम यूनिट है, तो इसमें हल्का सा यहाँ प्रेस करेंगे हम अंदर की ओर, तो ये बाहर आ जाएगी। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये हमारी ड्रम यूनिट है, ये बाहर आ गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें ड्रम है हमारा, OPC ड्रम है। और उसके बाद ये हमारे यहाँ PCR लगा हुआ है, और ड्रम के नीचे यहाँ पे जस्ट हमारी ब्लेड लगी हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ कि अगर हमें ये ड्रम रिप्लेस करना है, या PCR को रिप्लेस करना है, और या ब्लेड को रिप्लेस करना है, तो हम कैसे करेंगे। और इसमें अंदर भी जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनके भी नाम बताऊँगा, और उनको कैसे रिप्लेस करना है वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और इसको हम कैसे ठीक करते हैं वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये ड्रम यूनिट है हमारे पास, तो इसको मैं आपको ओपन करना बताता हूँ, और इसका ड्रम यूनिट वगैरह हम कैसे चेंज करेंगे तो वो सिखाता हूँ। दोस्तों, इसमें आप साइड में देख पा रहे हैं, दो स्क्रू लगे हुए हैं, एक ये और एक ये वाला। तो पहले हमें इनको ओपन कर लेना है, तो मैं इनको ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसके ये स्क्रू हैं ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद हमें इसको यहाँ से, इनमें जो लॉक लगे होते हैं आपको मैं दिखा दूँ, एक ये लॉक है, एक ये है, तो इसमें हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से इनको अनलॉक कर लेना है। इसको हमें ऐसे फंसाना है और नीचे की तरफ इसको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करके इनके लॉक खोल लोगे, तो ये वाला जो ढक्कन है वो हमारा बाहर निकल आएगा। इसको हमें सिंपली यहाँ से बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों, मैंने ये ढक्कन बाहर निकाल लिया है, इसमें एक स्प्रिंग लगी है, ये भी हमें साइड से रख देनी है। जब हम इसको पैक करेंगे तो हमें इसमें इस स्प्रिंग को लगाना पड़ेगा। तो ये ढक्कन हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप देख पाओगे ये गियर वगैरह लगे हैं, इन्हें हमें बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर हमें इनको सिंपली बाहर की तरफ खींच लेना है और इनको साइड में रख देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको एक अंदर की तरफ स्क्रू दिखेगा ये वाला, तो हमें ये भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये पिन होती है और जो हमारी सीधे ड्रम यूनिट में जाके कनेक्ट होती है। जब तक हम इस स्क्रू को नहीं खोलेंगे, हमारा ड्रम यूनिट जो ड्रम है बाहर नहीं आएगा। तो मैं इस स्क्रू को भी खोल लेता हूँ। उसके बाद इस पत्ती को भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ये स्क्रू मैंने निकाल लिया, स्क्रू में साइड में रख देना है। उसके बाद हमें ये पत्ती बाहर निकालना है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इस पत्ती को भी बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, आप ये पिन होती है जो कि हमारे यहाँ से जाके ड्रम यूनिट में यहाँ पे कनेक्ट होती है। उसके बाद
आप देखोगे तो ये हमारे ड्रम है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। इसको हिलाकर हल्के से हमें, अगर हमारा ड्रम दोस्तों बिल्कुल ही ख़राब हो गया है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर इस पर हल्की सी लाइनिंग है तो हम इसको कॉटन के कपड़े से साफ़ करके, इस पर हल्का सा पाउडर होता है तो वो पाउडर हम इस पर लगाएंगे और इसको दोबारा से इंस्टॉल कर देंगे तो ये हमारा ड्रम थोड़ा और चल जाएगा। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ ये PCR लगी हुई है, तो इस PCR को भी हमें निकालना है। और दोस्तों अगर आपको सिर्फ PCR अकेला चेंज करना है और ड्रम नहीं चेंज करना, चाहे आपका ड्रम जो सही है और आपको सिर्फ PCR अकेला चेंज करना है, तो इसके साइड में दो स्क्रू होते हैं, एक यहाँ पर और एक उस तरफ, तो वो दोनों खोल के ये PCR हम बिना ड्रम को खोले ही चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको भी ये ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इसको टर्न कर लिया है, उसके बाद एक स्क्रू हमारा ये लगा है और एक स्क्रू इस तरफ है, तो इन्हें भी हम खोल लेते हैं और फिर आपको ये पार्ट्स है वो हम बाहर निकाल के दिखाते हैं, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ कि ड्रम अगर हमारा इसमें लगा हुआ है तो बिना ड्रम को खोलें PCR को कैसे चेंज कर पाएंगे। तो इसके ये दोनों स्क्रू हैं वो मैं खोल देता हूँ, फिर मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसके ये स्क्रू हैं ओपन कर लिए हैं, उसके बाद सिंपली हम इसको पकड़ के बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। तो आप देख पा रहे हो ये कुछ इस तरीके से लगी हुई होती है। अगर हम इसमें ड्रम पहले से ही लगा हुआ है और सिर्फ PCR चेंज करना चाहते हैं तो इस पार्ट को बाहर निकाल के हम इसमें से ये PCR है इसको सिंपली हम ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये हमारी PCR बाहर आ जाएगी। और इस PCR के नीचे एक क्लीनिंग रोलर लगा होता है जो हमारे PCR को क्लीन करता है। तो ये भी है, अगर ये भी अगर हमें गंदा दिखता है, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, अगर ये भी हमें गंदा दिखता है तो इसको भी हम अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेंगे, लेकिन हमारे यूनिट में ये क्लीनिंग रोलर अच्छे से क्लीन है। तो दोस्तों जैसे कि ये क्लीनिंग रोलर है हमारा बाहर आ जाता है ना, तो उसको लगाने का तरीका ये है कि इसमें ये वाइट वाला जो स्प्रिंग दिख रहा है आपको वो हमें वाइट वाले पे लगाना है और जो ब्लैक वाला है वो हमें ब्लैक वाले पे लगाना है। और जैसे कि ये अगर बाहर निकल आते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि ये हमें इस तरफ लगाना है या उस तरफ, तो दोस्तों ये क्या है, इस तरफ का है तो ये उस तरफ लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें एक तरफ पतली रॉड होती है एक तरफ मोटी होती है। तो मैं आपको दिखाऊँ तो ये एक तरफ लगेगा ही नहीं, अगर ये उल्टा है, अगर मैं इसको इस तरफ लगाने की कोशिश करूँगा तो ये लगेगा ही नहीं। इसलिए आप टेंशन ना लीजिए, अगर ये बाहर भी निकल आते हैं ना तो आप लगा के देख लीजिए, ये जिस तरफ लगेगा, जैसे इस तरफ लग गया है तो ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ लगेगा वाइट की तरफ, और ये ब्लैक वाला जैसे ये यहाँ पड़ा है तो इसको हम लगा देते हैं। लगाने के बाद अब हमें इसको इस पर लगाना है, तो सिंपली हम इसको ये जो इसमें खांचे दिख रहे हैं इस तरफ इसको ऐसे लगा देना है और ऐसे ही ये इस तरफ भी लग जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे हो तो ये लगाने के बाद इसको हम साइड में रख देंगे और उसके बाद हमें अपनी PCR है उसको हल्के से इस पर, अगर ये लाइन वगैरह आपको दिख रही होंगी ये देखिए, तो ये लाइनिंग्स हैं, इनको हम एक गीले कपड़े से या अल्कोहल की मदद से इसको साफ़ कर लेंगे। तो मेरे पास ये अल्कोहल है तो मैं इसको इस अल्कोहल से साफ़ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको दोबारा से इसमें लगा दूँगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने इसको साफ़ कर लिया है अच्छे से, तो इसको अब मैं इसको लगा देता हूँ इसमें। सिंपली दोस्तों इसको लगाने का तरीका, इसको हम किसी भी तरफ से लगा सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं, उसको पलट के भी लगा सकते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। उसको लगाने का तरीका यही है कि इस पर जो लगा रहे हैं ये जगह है इसको लगाने की, इस पर हमको रख के थोड़ा सा प्रेस कर देना है, इसलिए मैंने इसको रख दिया, उसको हल्का सा प्रेस करूँगा तो इसमें आवाज़ आएगी चटाक की, तो आप समझिए कि ये लग गया है। जैसे कि ये भी है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ अच्छे से, जैसे ये है, अब इसको मैं प्रेस करूँगा तो इसमें फिट हो जाएगा। तो उसके बाद ये हमारा
ये यूनिट है, ये वाला तैयार हो जाएगा, इसको हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद अब हमें इसके नीचे जो ब्लेड होती है, आप देख पा रहे हो ये ब्लेड है, इस ब्लेड को भी चेंज करना है या साफ़ करना है, तो उसके लिए हमें ये दोनों स्क्रू को खोलना पड़ेगा, एक ये लगा है और एक ये लगा है, तो इन दोनों को भी मैं खोल लेता हूँ और फिर इसको निकाल के आपको इसके अंदर क्या है वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसके दोनों नट खोल दिए हैं, खोलने के बाद इसको मैं सिंपली पकड़ के उठा लूँगा। उठाने के बाद तो ये हमारी ब्लेड बाहर आ गई, और उसके बाद आप इसमें नीचे देख पाओगे दोस्तों, इसमें जो बेस्ट टोनर है, इसमें जो टोनर है वो बेस्ट है और वो इसमें भरा हुआ है, और जिसमें इसकी स्पायरल रॉड होती है जो रोटेट करती है, रोटेट करने के बाद हमारा बेस्ट यहाँ से होते हुए इस होल के थ्रू बेस्ट टैंक में गिर जाता है। तो मैं इसको भी आपको निकाल के दिखाता हूँ और उसकी अच्छे से सफाई भी करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसको निकालने के लिए पहले हम ये जो टोनर भरा हुआ है इसको हम किसी भी एक बेस्ट वन साइड पेपर पे निकाल लेते हैं बाहर, तो उसको भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये वन साइड पेपर है, अब ये टोनर है वो हमें इस पर निकालना है, तो इसको सिंपली हम टेढ़ा करके धीरे धीरे से इसको ठोकेंगे तो हमारा जो टोनर है बेस्ट वो इस पर आके गिरने लगेगा। तो मैं ये टोनर है वो पूरा इस पर निकाल लेता हूँ, और दोस्तों मैं बता दूँ कि ये टोनर हमें दोबारा यूज़ नहीं करना है, निकालने के बाद इस टोनर को फेंक देना है, क्योंकि ये बेस्ट टोनर होता है, अगर इसको हम दोबारा यूज़ करेंगे तो इसमें जो इसके पार्टिकल होते हैं मोटे मोटे वो हमारे ड्रम को डैमेज करते हैं। तो दोस्तों इसको हमें ठोक के अच्छे से इसका सारा टोनर है बाहर निकाल लेना है, और जैसे कि अगर यहाँ कहीं टोनर फंस भी जाता है तो इसमें इसको हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, आप ये दो लॉक देख रहे हो इनको पकड़ के हमें रोटेट करेंगे हम, तो ये स्पायरल रिंग है वो घूमने लगेगी, देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इनको आप ऐसे रोटेट करोगे तो ये जो स्पायरल रिंग है वो हमारी देखिए रोटेट होगी, देखो आप देख पा रहे होगे। तो ऐसे भी अगर कहीं अपना टोनर जाम हो गया तो उसको हम यहाँ ठोक के निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर थोड़ा बहुत टोनर इसमें फंसा भी रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्पायरल रिंग को भी हम बाहर निकाल के दिखाएंगे आपको और अच्छे से क्लीन करके दिखाएंगे। तो इस स्पायरल रिंग को बाहर निकालने के लिए दोस्तों हमें यहाँ एक स्क्रू लगा है, आप देख पा रहे हो ये स्क्रू हमें खोलना पड़ेगा, तो मैं ये स्क्रू भी खोल लेता हूँ फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये स्क्रू भी खोल लिया है, तो अब हमें सिंपली ये वाला जो पार्ट है वो हमें बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के लिए दोस्तों इसको हल्का सा हमें टर्न करना पड़ेगा, इसको ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा जिससे कि इसमें जो अंदर हमें लॉक दिख रहा है वो बाहर आ जाए, क्योंकि ये लॉक है अंदर लॉक रहता है, इसको मैं आपको दिखा दूँ दोबारा लॉक करके। दोस्तों ये इस तरीके से जो लॉक है इसमें अंदर लॉक होता है इसे, इसलिए इसको हमें ऊपर की तरफ उठाना होता है जैसे कि ये अनलॉक हो जाए, और अनलॉक होने के बाद इसे हमें बाहर निकाल लेना है। इसे आप पकड़ के बाहर खींचोगे तो ये जो लॉक है ये वाला ये इसमें अनलॉक हो जाएगा, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद ये पार्ट है इसको भी हमें बाहर निकाल लेना है, ये है वो पार्ट जो हमारा इसमें लगा था, तो मैं इसको भी बाहर निकाल के साइड में रख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये जो स्पायरल रिंग है आपको जो देख रहे हो यहाँ पे, इसको यहाँ से पकड़ के बाहर खींच लेना है, मैं आपको इसको भी निकाल के दिखा देता हूँ। इसको आप हल्का सा बाहर यहाँ से प्रेस करोगे, यहाँ से धक्का दोगे बाहर की तरफ तो ये निकल आएगी। इसको निकालने के बाद इसमें जो टूनर भरा हुआ है उसको हमें अच्छे से निकाल लेना है, क्योंकि ये सारा बेस्ट टोनर है, और अच्छे से हमें इसकी ड्रम यूनिट की सफाई करके इसमें स्पायरल रिंग को दोबारा से डाल देना है। दोस्तों ये होती है स्पायरल रिंग, देखो आप ये स्पायरल रॉड है जो कि मशीन चलते समय ये इस तरीके से रोटेट करती है, ऐसे घूमती है जिससे कि जो टोनर बेस्ट होता है वो इस तरफ जाके वहाँ से बेस्ट टैंक में नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टोनर और बचा है, तो मैं इसको नीचे निकाल लेता हूँ।
ओके, तो आप देख पा रहे हो अच्छे से, अब इसमें टूनर नहीं बचा है। और दोस्तों ये इस तरफ के भी दो स्क्रू हैं, देखिए आप ये हैं, अगर आप इनको भी खोलना चाहते हैं तो खोल लीजिए, क्योंकि अगर इसमें भी थोड़ा बहुत टूनर भरा होगा तो वो भी सही हो जाएगा। वैसे मेरे केस में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, इसको खोलने की ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि यहाँ से जब मैं इसको खोलूँगा तो ये हमारे यहाँ से आर पार दिखने लगेगा। फिर भी मैं इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये जो पार्ट है, ये दोनों स्क्रू को हमें खोलना पड़ेगा, तो मैं इनको भी खोल लेता हूँ और फिर मैं आपको हमें दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसके दोनों स्क्रू खोल दिए हैं, खोलने के बाद इसको मैं हल्का सा ऊपर की तरफ खींचना है यहाँ। तो देखिए दोस्तों ये भी हमारा पार्ट जो है बाहर आ जाएगा, और इसमें हमें कहीं पर भी टूनर जाम नहीं दिख रहा है, देखिए ये बिल्कुल साफ़ है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ, उसमें देखिए आपको यहाँ आर पार दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ भी टूनर वगैरह हमारा बिल्कुल भी जाम नहीं है। तो ये हमारी जो ड्रम यूनिट है वो अच्छे से क्लीन हो गई है, इसमें से जितना भी टूनर था वेस्ट टूनर को हमने बाहर निकाल लिया है। लेकिन फिर भी एक बार आप इसमें ब्लोअर मार दीजिएगा, तो जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत टूनर और इसमें चिपका हुआ है वो पूरा साफ़ हो जाएगा। उसके बाद ये जो स्पारर रिंग है, इसको भी आप अच्छे से ब्लोअर मार के एक सूखे कपड़े से, अगर आप गीले कपड़े से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसको जब सूख जाइए उसके बाद ही डालना, इसमें फ़िट करना। तो उसके बाद अब मैं आपको इसको फिट करना बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों हमने इसका जो ये पाला पार्ट खोला था, तो हमें इसको लगा देना है यहीं की यहीं। पार्ट को लगाने के लिए दोस्तों ये जो हिस्सा है हमें देख लेना है, इसके जो स्क्रू के होल्स हैं वो बराबर बैठने चाहिए, जैसे कि मैंने इसको लगा दिया है, और इस हमें देख लेना है कि जो स्क्रू के होल्स हैं वो बराबर बैठ जाने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये वाला पार्ट इधर आ जाता है, ये उधर आ जाता है, तो मैच नहीं होते ये होल्स। और ये वाला जो होल है ये आप देख पा रहे हो, ये ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, तो इनके भी मैं स्क्रू कस लेता हूँ और फिर आपको मैं आगे वीडियो में इसकी स्पाइरल रिंग है डाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसके तो स्क्रू मैंने कस दिए हैं, उसके बाद स्पाइरल रिंग को लगाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है, ये पत्ती से जो निकल रही है ये हमारी बाहर रहेगी, और बाकी जिस तरफ से ये गोल हिस्सा है वो हमारा अंदर जाएगा इसमें। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो गोल वाला हिस्सा है वो हमें इस तरीके यहाँ से अंदर की तरफ डालना है, और ये हमारा अच्छे से चला जाएगा अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे ये देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे एक खांचा सा है ना, ये इसको हमें इसमें फंसा देना है इस तरीके से आप इसमें फंसा दोगे, तो उसके बाद आपको ये अंदर की तरफ प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद ये जो कैप हमने इस पर से खोला था तो हमें इस पर लगाना है दोस्तों। इसको लगाने के बाद इसको हमें लगाना है ऐसे पकड़ के, और लगाने के बाद इसको हमें इसे नीचे की तरफ प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि ये लॉक है वो हमारे यहाँ अंदर जाके लॉक हो जाएगा। तो ये मैंने इसमें लगा दिया और इसको मैं नीचे की तरफ प्रेस करूँगा, तो देख पा रहे हो दोस्तों कि ये अच्छे से लॉक हो गया है, और इसमें जो स्क्रू का होल है वो भी मैच हो गया। तो इसमें भी मैं यहाँ स्क्रू लगा देता हूँ। तो दोस्तों इसका ये वाला स्क्रू है वो भी मैंने इसमें अच्छे से कस दिया है। अब इसके बाद हमें ब्लेड लगाना है दोस्तों, और इस पर से आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये हल्की सी जो है स्पंज टाइप की कुछ लगी होती है, जिससे कि हमारा ड्रम सेफ रहे। अगर ये निकले तो इसको वहीं की वहीं सेट करके
अगर आप चिपका पाएँ तो चिपका देना। अब इसके बाद दोस्तों हमें इस पे जो ब्लेड है हमारी वो लगानी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों ब्लेड को लगाने से पहले आप इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। ये देखिए आप यहाँ टोनर लगाए तो इसको अच्छे से साफ़ करके, मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको भी साफ़ कर लिया है, और साफ़ करने के बाद इस पे हल्का हल्का हमें टोनर भी लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि ये बेस्ट टोनर पड़ा है तो मैं इसको ही हल्का सा इस पर लगा देता हूँ, उसके बाद इसको ठोक के इस पर हल्का हल्का टोनर भी लगा देना है हमें। लगाने के बाद इसको हमें इस पर दोबारा से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों उसको सिंपली ऐसे रखना है हमें, और इसमें ये नुकीले पॉइंट निकले होते हैं इस तरह के, ये है और एक इधर भी है, ये लगा हुआ है। ये पॉइंट है तो हमें अच्छे से इन पे बिठाना है, और उसके बाद यहाँ पे स्क्रू फिट करना है। एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लग जाएगा। अब हम अपनी ब्लेड को इन लॉक में फंसा के, देखिए आप अच्छे से ये फंस गए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। उसके बाद हमने जो स्क्रू यहाँ से दो स्क्रू निकाले थे वो हमें वहीं के वहीं कस देना है। इस पर एक हमने यहाँ से निकाला था और एक यहाँ लगेगा। मैं इनको अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने इनको भी अच्छे से कस लिया है। कसने के बाद इस पर हम अपनी जो PCR यूनिट है वो लगाएंगे। ये है हमारा PCR, और ये PCR का पार्ट है जो हमने अलग से खोल के रखा था, तो उसको लगाने के लिए मैं भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो दो लॉक दिख रहे हैं आपको, ये वाले, एक ये एक ये, तो इनमें हमें फंसाना होगा। इसमें होल्स होते हैं, ये दो होल आप देख पा रहे हो इनमें, ये ऊपर वाला होल और ये नीचे वाला होल, उन वाले लॉक्स में जाके फंसेगा, और बीच वाले होल में हम स्क्रू को कसेंगे। तो मैं इसको भी आपको करके दिखाता हूँ। ये दोनों प्रोसेस सेम इस ही है इस तरफ से। दोस्तों जब ये फिट बैठ जाएगी तो आप देख पाओगे कि इसमें भी एक ये लॉक है यहाँ पे, ये यहाँ फिट हो गया, और स्क्रू लगाने के लिए हमें यहाँ पे जगह भी मिल गई। उसके बाद एक हमें यहाँ पे भी ये फिट बैठ जाएगा, तो ये दोनों स्क्रू भी हमें इसको अच्छे से कस देना है। इनको भी मैं कस लेता हूँ। दोस्तों ये मैंने अच्छे से कस दिया है। कसने के बाद दोस्तों ये हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम मशीन में लगाएंगे तो हमें ये प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद हम इसमें ड्रम को लगाएंगे। ड्रम को लगाने के लिए दोस्तों हमारा ये ड्रम है, इसको हमें अच्छे से कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लेना है, और अगर इस पे कहीं लाइनिंग्स वगैरह आती हैं, जैसे कि मैं आपको कैमरे में दिखाऊं, कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाएगा, जैसे कि आपको दोस्तों यहाँ ग्रीन ग्रीन सी एक लाइनिंग दिख रही होगी, क्योंकि ये हमारा डबल कोटिंग वाला ड्रम है। पहले इस पे जो कलर था वो इस तरीके का था, डार्क ग्रीन, चल चल के ये इसका डार्क ग्रीन कलर है वो निकल रहा है, और जिसका नीचे का जो कलर है जो स्काई ब्लू होता है वो कलर है इस पे, तो वो दिखने लगा है। तो इसको हम अच्छे से साफ़ करके इस पे पाउडर लगा के इसको हम इसमें इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद इसका ये वाला जो हिस्सा है आपको मैं दिखा दूँ, ये वाला हिस्सा वो हमारा उस तरफ लगेगा ड्रम यूनिट के, और यहाँ हमारी पिन जाएगी
जो मैंने निकाल के दिखाया था आपको, इससे यहाँ पे पिन जाएगी। तो इसको हमें लगाने के लिए इसको ऐसे रखना है जो वहाँ अच्छे से फंस जाएगा, तो उसके बाद हमें इसको यहाँ पे रख देना है ऐसे, यहाँ रख देना है। रखने के बाद इसमें से जो हमने पिन निकाली थी वो हमें यहाँ लगाना है और इसके ड्रम के होल में मैच करना है। तो ये है हमारी पिन। पिन को लगाने के लिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे होल है, देखो आप देख पा रहे हो ये वाला होल, ऊपर वाला, नीचे वाले में हम स्क्रू करेंगे, स्क्रू को कसेंगे। तो दोस्तों देख रहे हो ये ड्रम का होल है, वो भी हम मैच करेंगे। तो उसमें मैं पत्ती लगाता हूँ। पत्ती को लगाने के बाद हमें ये ड्रम को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये पिन हमारी इसमें चली जाए। दोस्तों देखिए पिन हमारी इसमें अच्छे से बैठ गई है, और उसको अंदर की तरफ पूरा पुश करके हमें इसमें स्क्रू को कस देना है। पिन तो हमारी अच्छे से लग गई। उसके बाद आप दोस्तों देखोगे ये ड्रम हमारा कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। उसके बाद हमने ये स्क्रू यहाँ से खोला था, वो स्क्रू हमें वहीं की वहीं लगा देना है। तो इस स्क्रू को भी मैं अच्छे से कस लेता हूँ। दोस्तों इस स्क्रू को भी मैंने अच्छे से कस दिया है। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहिए, और दोस्तों जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा तो मेरी गारंटी है कि उसको ड्रम यूनिट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कैसे क्या होता है ड्रम यूनिट में। वो सारे डाउट उसके क्लियर हो जाएंगे, कैसे हमें ड्रम को लगाना है, रिप्लेस करना है, ब्लेड को चेंज करना है, और ब्लेड के नीचे भी जो स्पैरल रिंग है अगर वो टूट जाती है या जाम हो जाती है तो उसको कैसे क्लियर करना है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम पीसीआर चेंज करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ से एक रफ एंड टफ आइडिया दे देता हूँ कि आप देख पा रहे हो ये वाला स्क्रू है और वो स्क्रू हमने वहाँ से लगाया था। तो इनको हमें खोलना है और इसको बाहर की तरफ खींचना है, तो जो पूरी की पूरी जो पार्ट है वो हमारा बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद हम पीसीआर को क्लीन करके वापस से इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर वो ख़राब हो गया तो चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हो ये पीसीआर हमारा ड्रम के कॉन्टैक्ट में आ गया। उसके बाद ये जो पार्ट्स हैं गियर वगैरह, मैं आपको दिखाऊं, इनको भी लगाने का मैं आपको तरीका बता देता हूं, क्योंकि कहीं कहीं हमारे जो दोस्त हैं वो फंस जाते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो आपको दिखाऊं, ये इसमें खांचे दिख रहे हैं, वो हमारे यहाँ जाके फिट होते, एक ऊपर एक नीचे, इसीलिए। और ये वाला जो हिस्सा है एक तरफ ऐसा है, वो बाहर की तरफ होता है। और ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा चौड़ा आपको गियर का ये दांता है जो दिख रहा है चौड़ा है, वो इस जगह जाके फंसता है, इस जगह पे, यहाँ पे ऐसे, तब ये मूव होता है इस तरीके से। तो लगाने में ध्यान रखना कि आप इसको उल्टा ना लगाएं, क्योंकि ये उल्टा लगेगा ही नहीं, दिक्कत करेगा। इसीलिए इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसको पहले आप जो सबसे बड़ा दांता है उसमें आप इसको फिट कर लीजिए, जैसे कि मैंने फिट कर लिया। फिट करने के बाद इसको पीछे की तरफ धक्का दे दीजिए। धक्का देने के बाद आप दोस्तों इसको जैसे ही घुमाओगे इस तरफ, ये उस पत्ती में जाके लॉक हो जाएगा। देखो मैंने आपको दिखाया था पीछे जाके उसमें लॉक हो जाएगा, तो ये इसका मतलब है हमारा ये सही लग गया है। उसके बाद हमें इसमें ऊपर के जो हमने कवर खोले थे उनको इसमें वो लगा देना है। उसके पहले हमें दोस्तों ये स्प्रिंग जो हमने बताया था आपको, वो इस जगह लगेगी, तो स्प्रिंग को हमें वहीं रख देना है। और रख देने के बाद ये जो हमारा कवर है, मैं बता रहा हूँ आपको, वो हमें सिंपल इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद ये जो पार्ट है वो हमारा इस होल में जाएगा। लगाने के बाद हमें इसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको प्रेस कर देना है ऊपर से और नीचे से। प्रेस करने के बाद इसमें लास्ट हमारे दो स्क्रू और बचे हैं, देखिए। तो ये दो स्क्रू को हमें यहाँ कस देना है, एक स्क्रू यहाँ लगेगा और एक यहाँ ऊपर लगेगा। तो इनको भी मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी ड्रम यूनिट है, वो रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों अब कुछ नहीं करना, हमें सिंपली इसको मशीन में इंस्टॉल करना है। जैसे इसको हमने निकाला था वैसे ही इसको हमें लगा देना है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।